एक बार फिर विवादों में फंस गई हैं करीना कपूर खान। बेबो के नए विज्ञापन पर फूटा है लोगों का गुस्सा। गहनों के एड में करीना के माथे से गायब बिंदी बनी है नए विवाद की वजह। जी हाँ, एक बिंदी जो किसी सुहागन महिला के माथे पर सजकर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है, वही बिंदी बनी है करीना कपूर की ट्रॉलिंग की वजह। करीना के विज्ञापन को लेकर लोगों का गुस्सा यूं भड़का है कि सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को बॉयकॉट करने की मांग हो रही है, तो वहीं नो बिंदी नो बिजनेस हैशटैग को ट्रेंड कर उस ज्वेलरी ब्रांड के साथ भी बिजनेस ना करने की बात कही जा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। दरअसल हाल ही में करीना कपूर एक फेमस ज्वेलरी ब्रांड के नए विज्ञापन में नजर आई हैं। उस ज्वेलरी ब्रांड ने अक्षय तृतीया के खास मौके को भुनाने के लिए गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन की एक नई रेंज निकाली है, जिसके विज्ञापन में सजी धजी करीना हैवी गहनों से लदी हुई हैं। यूं तो करीना इस एड में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। उन्होंने पिंक कलर का लहंगा पहना है, मेकअप किया हुआ है और मैचिंग ज्वेलरी पहनी है, लेकिन अक्षय तृतीया के इस विज्ञापन में बिना बिंदी लगाए खड़ी करीना लोगों की निगाहों में खटक गई है। चूंकि अक्षय तृतीया का त्योहार हिंदुओं के लिए बेहद खास दिन होता है, इस खास मौके पर घर में सुख सौभाग्य और वैभव की कामना करते हुए हिंदू सोने के गहने खरीदने शुभ मानते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के इस विज्ञापन में करीना के माथे से गायब बिंदी पर लोग आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि अक्षय तृतीया का ऐड कर रही करीना ने आखिर बिंदी क्यों नहीं लगाई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद इतना बढ़ गया है कि लोगों ने बॉयकॉट करीना कपूर और नो बिंदी नो बिजनेस जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर दिए हैं। इन हैशटैग्स के जरिए पूरे दिन सोशल मीडिया पर करीना कपूर को बॉयकॉट करने की मांग होती रही। एक यूजर ने करीना के इस नए विज्ञापन पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि क्या आप उनकी बेशर्मी देख सकते हैं, वे हिंदू त्योहारों पर हिंदू लोगों से पैसा चाहते हैं, लेकिन वे हिंदू परंपराओं और रीति रिवाजों का बहिष्कार कर रहे हैं। तो एक अन्य यूजर ने अपना गुस्सा उतारते हुए सवाल किया कि अक्षय तृतीया का शुभ दिन मॉडल के रूप में करीना कपूर खान माथे पर बिना बिंदी के, हिंदू त्योहारों के लिए बिंदी क्यों नहीं, आप लोग हमारी पुरानी परंपरा का अपमान करते हैं, शर्म करो। वहीं एक अन्य यूजर ने तो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए शब्दों की मर्यादा भी पार कर दी। उस शख्स ने लिखा, ये एक्टर्स लोग पैसों के लिए अपनी माँ और बहन को बेच सकते हैं और बिना कपड़ों में भी घूम सकते हैं, तो हिंदू संस्कृति की क्या पड़ी है इन्हें। इतना ही नहीं, इस पूरे विवाद में करीना और सैफ के धर्मों को भी घसीट लिया गया है। क्योंकि पंजाबी परिवार की बेटी करीना ने मुस्लिम सैफ अली खान से शादी की है, ऐसे में उनके धर्मों पर निशाना साधते हुए एक अन्य यूजर ने लिखा, बॉयकॉट करीना, ये ना हिंदू है ना मुस्लिम, पता नहीं इन लोगों को शर्म भी आती है या नहीं। बता दें कि हाल ही में अक्षय कुमार को भी अपने एक विज्ञापन के लिए जनता के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। तंबाकू ब्रांड के विज्ञापन में अक्षय कुमार का नजर आना लोगों को रास नहीं आया था, जिसके बाद अक्षय ने उस तंबाकू ब्रांड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया था और फैंस की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए माफी भी मांगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।